उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने नगर निगम सोलन के लिए मनोनीत पार्षद शकुंतला शर्मा, संजीव मोहन, प्रियंका अग्रवाल, दिनेश कुमार तथा स्निग्धा चोपड़ा को शपथ दिलाई। उपायुक्त ने इस अवसर पर सभी मनोनीत पार्षदों को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि वे क्षेत्र के विकास कार्यों को गति प्रदान करने में सहायक बनेंगे। उन्होंने पार्षदों से आग्रह किया कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं ताकि लक्षित वर्ग इससे समय पर लाभान्वित हो सके। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप विशेष रूप से वहां मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो जिम्मेदारी मनोनीत पार्षदों को दी गई है वे उसे बखूबी निभाएंगे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो विश्वास उन पर जताया है वे उस पर 100% खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सभी मनोनीत पार्षद चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और सोलन के चहुमुखी विकास में अहम योगदान देंगे। इस मौके पर उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। श्रीमती शकुंतला शर्मा जी, श्रीमती प्रियंका अग्रवाल जी, श्रीमती स्निग्धा जी और श्री संजीव गौड़ जी, श्री दिनेश ठाकुर जी, मैं इन सभी को आज बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने आज नॉमिनेटेड काउंसिल की शपथ ली है। और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेशन है पार्टी को भी और सरकार को भी, क्योंकि नॉमिनेटेड पार्षद जो है वो सरकार के नुमाइंदे है, तो सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं उनको जो हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें बड़े अच्छे तरीके से उठाना और फिर सरकार का जो भी पक्ष हो उसको भी रखना है और सोलन शहर को जो है स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो है ये सभी लोग कार्य करेंगे। मेरी ऐसी मंशा है, ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसा मेरा जो है विश्वास है। और ये सभी लोग जो है काफ़ी एनर्जेटिक हैं, सभी अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और सब एक्सपीरियंस्ड भी हैं इसमें। तो जो हमारे इलेक्टेड पार्षद हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोलन को आगे बढ़ाएंगे और सोलन के लिए बहुत बढ़िया कार्य करेंगे। जितनी भी सरकार की जो विशेषकर यहाँ पे जो पार्किंग की प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे थोड़ी हमारे अपने ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसको मद्देनजर रखते हुए उस पर काफ़ी जो है फोकस्ड जो है वो कार्य किया जाएगा। मनोनीत पार्षद ने अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया और कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें इस लिए मनोनीत किया गया है ताकि वे शहरवासियों को किसी तरह की दिक्कतें पेश न आने दें और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर सुलझाएं। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वे उसे कर्तव्य समझकर निभाएंगे और शहर के विकास के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करेंगे। सबसे सर्वप्रथम अपने हाईकमान, अपने मुख्यमंत्री और अपने संगठन मंत्री पवन राणा जी और तथा अपने जिला के राजेश कश्यप जी, मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर जी और हमारी प्रदेश अध्यक्षा रश्मि धर सूद और सभी अपने नेताओं का कोटि कोटि नमन करती हूं और उनका धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आज हमें जो निगम की सौगात मुख्यमंत्री जी ने दी थी सोलन को उसमें हम लोगों को भी जोड़कर, ताकि हम जो मूलभूत सुविधाएं हमारे वार्डों में हो या किसी भी 17 नंबर वार्ड से कहीं से भी हमें कोई भी अप्रोच करता है तो उसके लिए हम तत्पर रहें और हमेशा तैयार रहेंगे। और ये मेरे सभी पार्षद जो मेरे साथ मनोनीत किए गए हैं उनके साथ मिलकर और उनके साथ हम आपस में विश्वास में लेकर एक दूसरे को, हम जो भी सोलन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित एरिया हैं या कुछ एरिया जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से निगम में आए हैं उन एरियाज़ को प्रथम दृष्टि से हम लाइटें, रास्ते, नालियां और स्वच्छता के हिसाब से उनका हम सुधार करेंगे। ये हमारी प्राथमिक रहेगी काम करने की निगम में आने की। धन्यवाद। मैं संजीव मोहन वार्ड नंबर 8 से मनोनीत हुआ हूँ। इसके लिए मैं सर्वप्रथम अपने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, संगठन मंत्री श्री पवन राणा जी और सभी जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उन सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और इस जिम्मेवारी को जो मुझे दी गई है इसको मैं निस्वार्थ अपने वार्ड के प्रति जो भी विकास के कार्य मेरे ध्यान में लाए जाएंगे, जो भी नाले, पानी और बिजली, जो भी समस्याएं मेरे ध्यान में लाई जाएगी उसको प्राथमिकता से मैं उसका उसको जल्दी से जल्दी उसको ठीक करवाने की और सहयोग करने की उनकी कोशिश करूंगा। और इसकी मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूं, आज शपथ हुआ है तो आगे भी मेरी
जो जिम्मेवारियाँ मुझे दी जाएंगी उसको मैं निभाते जाऊँगा। भाजपा मंडल का धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारी प्राथमिकता रहेगी सबकी मिलकर कि जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड हैं वो सब मिलकर काम करेंगे। जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो कई घरों में पानी आ रहा है, तो सड़कों को अच्छी तरह से रिपेयर वगैरह किया जाएगा, नालियों का निर्माण किया जाएगा, तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मेरी प्राथमिकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता रहेंगी। इसके अलावा लोगों की जो भी समस्या रहेंगी उन्हें सॉल्व करना मेरा प्राथमिकता रहेगी। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्हें मुझे इस पोस्ट तक पहुँचाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों की जितनी भी समस्याएं रहेंगी उन्हें सॉल्व करना ही मेरे लिए प्राथमिकता रहेगी। नमस्कार जी, सर्वप्रथम मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करती हूँ और सारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे वार्ड के मुझे 12 वार्ड से चयनित किया गया है, नॉमिनेट पार्षद बनाया गया है, तो मेरी प्रेफरेंस पहले वार्ड 12 के लिए रहेगी। जो रोड की समस्या वहाँ पे, जो एम्बुलेंस रोड की समस्या बहुत सालों से है, पहले मैं उसके बारे में सबसे पहले वही कार्य करूँगी। और जिस तरह से डीसी मैम ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं पिछले 3 और 4 सालों से उस काम में लगी हूँ, तो आगे भी मैं इस कार्य को और अच्छी तरह से बढ़ाऊँगी। और जितने भी 1 से लेकर 17 वार्ड तक जो भी मेरे ध्यान में, जो भी मेरे संज्ञान में, जो भी चीज़ें, जो भी मुश्किलें आती मुझे आएगी, तो मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करूँगी पूरी ईमानदारी से। और आगे हम सब 5 पार्षद जो नॉमिनेट हुए हैं, हम सभी मिलके साथ मिलके एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।